हेलो हाय नमस्कार। पहला प्रणाम उत्तराखंड में हूँ आपका अपना उत्तर का पुत्र काव्य और स्टैंड अप उत्तराखंड विद काव्य सीजन वन एपिसोड फोर। नमस्कार, मैं हूं आशीष ध्यानी और मैं आपसे कहता हूं स्टैंड अप उत्तराखंड। और आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं एक बहुत ही कमाल के व्यक्ति से जिनसे बड़ी पुरानी मित्रता है और फाइनली आज इस तरह से हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करने वाले हैं। हैंडलूम के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, खुद का स्टार्टअप है, वैसे तो IIT से निकले हुए हैं और ये हिंदुस्तान में कई बार मजाक में बात होती है कि करने IIT जाते हैं, निकल के कुछ और आते हैं, लेकिन उसके कुछ परिणाम भी निकलते हैं क्योंकि वहां जिस तरह के ब्रेन जाते हैं वो बाहर कुछ कमाल ही निकाल के लाते हैं। तो उन्हीं में से एक आशीष इस वक्त मेरे साथ में, बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद भाई आपका। जी। तो इस वक्त है और कैसा क्या कुछ चल रहा है? अभी अभी काफी सारी चीजें, क्योंकि लॉकडाउन है तो जी काफी सारी चीजें बहुत कम हो रखी है, मतलब पहले से ना। अभी उतना मार्केट में चीजें चल नहीं रही है, मतलब मार्केट थोड़ा सा राइट ठंडा है छोटू से। राइट लेकिन ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और सस्टेनेबल फैशन जो है, क्योंकि हम जैसे हम हैंडलूम ही नहीं, हम नेचुरल फाइबर्स में भी काम करते हैं, नेचुरल फाइबर्स में ही काम करते हैं इन पर्टिकुलर, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज हो तो जितनी नेचुरल हो उतनी अच्छी है ना। तो ये एक आइडिया, तो उस तरफ मार्केट भी शिफ्ट हो रहा है, तो आई थिंक इसका ये एक हिकअप, एक हिचकी के जैसे समझिए कुछ समय के लिए, उसके बाद आई थिंक ये काफी अच्छे से निकल के आएगा ये फील्ड। राइट तो उत्तराखंड हथकरघा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब IIT के अंदर थे तभी हुई, तभी दिमाग में आया या बाहर निकलने के बाद? आपको एक ऑनेस्ट आंसर दूं तो थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं जैसे आजकल की पीढ़ी है वैसा ही एक क्या कहते हैं उसको, स्टारी आई किड था, जिसको पाश्चात्य या जो पश्चिमी सभ्यता है, अंग्रेजी फिल्म्स हैं, उसका बड़ा शौक था, अंग्रेजी गाने सुनने का बड़ा शौक था। तो मैं नहीं कहता कि ये अगर ऐसा कोई लोग सुनते हैं, ऐसा करते हैं, तो उनको अपनी संस्कृति से कोई लगाव नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ऐसा था। लोग मतलब मेरे घर में बाड़ी बनती थी या जुंगरियाल बनते थे, जिनको क्या बोलते हैं उसको, वो तो खट्टा सा बनाते थे, फिर भटकी चुटकानी होती थी, या फिर अगर पलियो पलियो कहते थे, राइट पलियो कहते थे, पलियो हेलो बनाते थे, या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, अरे गैस की दाल का बनाते ना अपन, मेरे को एकदम अभी हाँ नाम भी याद नहीं, बताओ। समझ एनीवे, तो गया। पॉइंट इज कि वो सब चीजें बनती थी, तो आई यूज टू बी लाइक कि क्या बनाया है, क्या बकवास है ये। मतलब एक हमको हमेशा बाहर, मुझे हमेशा बाहर देखना होता था, मुझे अपने कल्चर का कुछ नहीं पता था। गढ़वाली में बात करते थे घर वाले तो मतलब ऐसा लगता है कि हम पिछड़े हुए, हम बैकवर्ड हैं। यही चीज थी जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज में जाके देखा तो वहां तो फिर सब, देखो मैं किसी कॉलेज की वो नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का अल्मा मैटर है, तो मतलब मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन वहां पर भी जो बच्चे थे वो मेरे जैसे ही थे मोस्टली, जितना एटलीस्ट मेरा जो सर्कल था वो ऐसे ही था, कि उसमें भी लोग ऐसे थे लाइक उनको जाना है US, उनको जाना है बिग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में, और वहां पे जाके तोड़फोड़ मचानी, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप बेवकूफ हो, खत्म हो, आपको कुछ नहीं आता। तो दैट वाज दी लाइक अपब्रिंगिंग या एनवायरमेंट। और वहां से फिर भगवान का एक वो है कि मैं राउरकेला गया, विच इज इन उड़ीसा, अच्छा उड़ीसा राइट राउरकेला स्टील प्लांट में, वहां पे मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ, स्टील प्लांट में गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक PSU है, ONGC जैसी। वहां गया तो वहां का कल्चर जो था ना, वो एक मेरे लिए कल्चरल शॉक था, कैसे कि वहां पे लोग अपना अपने कल्चर को लेके इतना, दे वर सो प्राउड ऑफ इट, वो इतना प्राउड फील करते थे अपने कल्चर को लेके कि आई आई कैन नॉट टेल यू। वो अगर ऐसा है, मैं और आप मान लीजिए उड़िया है, तो अब मैं और आप उड़िया है, वो सॉरी आप हिंदी बोलते हैं, मैं उड़िया बोलता हूँ, है ना, तो अभी तो मैं आपके साथ हिंदी में बात करूंगा, द मोमेंट एनी अदर कोई और उड़िया आएगा ना,
आई स्विच टू उड़िया और आप गए भारत, मतलब मैं और वो एकदम बढ़िया। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था इस बात का कि यार ये क्या बात होती है, अगर मैं हूँ साथ में तो वाई डोंट यू लाइक आप हिंदी में क्यों नहीं बात करते, ताकि मुझे भी थोड़ा समझ में आए। लेकिन मैं ये चीज भूल गया कि यार मैं उनकी जगह में, तो मुझे उनके तौर तरीके भी सीखने चाहिए। तो ये मेरी एरोगेंस थी जो कि मतलब एक तरीके से एड्रेस हुई वहां पे। और दूसरा ये था कि उनका जो कल्चर, उनका जो लगाव था, मैं इस बात को एक तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करने लगा कि यार मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या कल्चर है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और मैं तो एकदम कल्चर लेस व्यक्ति के जैसे कहूंगा सीधे सीधे कि एकदम कल्चर लेस है, कुछ पता ही नहीं है उसके अपने बारे में। जिस लोग को, जिसको लोग रागी रागी बोल के उसके बिस्किट बना के 50-50 रुपए के 6 बिस्किट बेचते हैं, वो रागी जो है वो तो क्वादा है। तो आई वॉज लाइक कि ये क्या बेवकूफी है, मतलब मैं तो मतलब ठीक है पढ़ लिख लिए, लेकिन पढ़ लिख के कोई समझ थोड़ी ना आई, तो बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी। तो आइडिया वहां से जन्मा कि कुछ करना है अपने उत्तराखंड के लिए। और 2015 तक मतलब मैं 5 साल हो गए थे मुझे, और मैं काफी ऊब चुका था उस जॉब से कि यार जितना कुछ मैंने सीखना था मैंने यहाँ पे सीखा, अब यहाँ पे फर्दर ग्रोथ नहीं है, अब तो बस ऐसा ही भेड़ चाल है, चलते रहो, बस आपको पैसे मिलते रहेंगे, 8 घंटे की नौकरी है, करते रहो। फिर पापा भी काफी समय से बोल रहे थे, उस वक्त पापा को हार्ट अटैक भी आया था, तो एक रीजन वो भी था कि आई वॉन्टेड टू कम बैक। और मैं आया और आके मैंने सोचा कि छोटी कंपनियां जो होती हैं उनके लिए कंसल्टिंग फर्म शुरू करते हैं, वो शुरू किया, उसे सारथी कंसल्टिंग सर्विसेज का नाम दिया। और वहां से मैंने 2 कंपनीज के साथ काम किया, और उसी दौरान मैं अपने एक प्रोफेसर से मिला जो कि आईआईटी रुड़की में ये डॉम्स में है, मैनेजमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट में, उनसे मिला। उन्होंने एक स्टडी प्रपोज करी थी कि वीवर्स के ऊपर एक स्टडी प्रपोज करते हैं, उनकी उनकी जो व्यथाएं हैं उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, देन वी कैन गो टू गवर्नमेंट, उनको दे देंगे कि भाई देखिए ये सब हो रहा है, आप इस पे अमल कीजिए और कुछ करते हैं। मेरे को अच्छा लगा, मेरे को यार ये तो बहुत सही चीज है, मतलब ये तो बिल्कुल ग्रास रूट वाली चीज है, और जिसमें शायद, और मुझे सही बताऊं मेरे को वीविंग का कोई आइडिया नहीं था, मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि रुड़की के पास में 4-5 गांव हैं ऐसे, बाकी पहाड़ की तो छोड़ ही दीजिए, मेरे को रुड़की का नहीं पता था, इतने तो हम अज्ञानी है क्या कहें। तो मैं फिर यहाँ के गांव गांव जाना शुरू किया मैंने, मतलब मोटरसाइकिल उठाई और चला गया, कुछ नहीं पता था, किसी का कोई कांटेक्ट नहीं, बस चला गया कि भाई इमली खेड़ा है वहां चले जाते हैं। वहां गया, मैंने पूछा कि हाँ बुनकारी होती है, बुनकर होंगे, तो एक से मुलाकात हुई, दो से, तो बहुत सारे लोगों से ऐसे बात करते करते मुझे समझ में आया कि भाई 90% लोग तो ये काम छोड़ चुके हैं, और जो नई जनरेशन है वो इसको पकड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने माँ बाप को घिसटता हुआ घसीटता हुआ देख रहे थे अपने जीवन को, तो क्यों आएगी इसमें, और अगर पैसा नहीं है तो ये खत्म है। और सिंपल मतलब इसके जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ये हैं कि अगर वो सारी जनता जो कि इस काम में लग सकती थी वो अगर ये काम नहीं करती है तो दे विल बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, और फिर क्या होगा, दे विल गो टू द सिटी, बट सिटीज में जाएंगे, उसको ओवरक्राउड करेंगे, रोशनाबाद जाते हैं, ये भगवानपुर आते हैं, देहरादून जाते हैं, ये गाजियाबाद और फरीदाबाद, ये यहाँ यहाँ पे सब लोग गए हुए हैं, तो वो लोगों को अच्छा भी लगता है, अरे मेरा बड़ बेटा तो बाहर गया। लेकिन लेकिन एक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो विलेज इकोनॉमी इज गॉन, और भारत मेजरली ग्रामीण उद्योग या मेजर विलेज इकोनॉमी पे बेस्ड देश है। 70% आबादी अभी भी गांव में रहती है, मतलब मेरा थोड़ा ऐसा है कि हम गांव में रहें क्योंकि गांव में जीवन अच्छा होता है, सिंपल सी बात है। तो मेरा एक वो वहां से थोड़ी सी वो बनने लगी कि यार यहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो मैं तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग दे रहा हूँ, मतलब बिजनेस कंसल्टिंग दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनसे यहाँ से पैसे भी नहीं ले सकता। अगर मैं इनको बोलूंगी इस तरीके से करो, कोई मेरी बात क्यों मानेगा भाई, अगर वो मुझे पैसे भी नहीं दे रहा। तो मुझे लगा कि इसमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें हम कुछ इन प्रोडक्ट्स को बेच सकें, मतलब डायरेक्टली बेच सकें। तो फिर मैंने वहां के प्रोडक्ट्स उठाए, जैसे यहाँ की लोई होती है ना, लोई काफी फेमस है, जो अपने पहाड़ में पंखी बोलते हैं वही लोई होती है इधर पे, बड़ी बड़ी सी होगी और अलग अलग साइजेस में आती है। तो मैंने वो लिया, मैंने काफी जगह पे प्रपोज किया, सोचा कि एक ऐसा आइडिया करते हैं कि जितने, क्योंकि ये बुनकर लोग हैं, इनको इनको ऐसी संस्थाओं से जोड़ दें जो जिनको, जो जैसे ओल्ड एज होम्स हो गए, कि वहां पे इन सब चीजों की जरूरत होती है, वहां पे क्वालिटी मैटर्स, लुक डज नॉट। तो लुक वाइज बहुत अच्छा नहीं था, टच वाइज बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अगर गर्मी देने की बात करें बहुत बढ़िया था। तो ये चीज करी, और फिर हमने कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट्स करे, यहाँ के जो MLA हैं, लोकल MLA प्रदीप बत्रा जी, उन्होंने भी हमें काफी अप्रिशिएट किया। फिर यहां से जर्नी शुरू हुई, मैंने बहुत सारे ये क्या कहते हैं इनको, डिजाइनर्स हैं, उनको भेजा, मैंने कहा कि इसका क्या किया जा सकता है, कैन वी डू समथिंग विद दिस। तो दे वर लाइक यार दिस इज वेरी क्रूड, बहुत अच्छा सा नहीं है, तो इस पे कुछ नहीं हो सकता जी,
और ये फिर बात मुझे भी समझ में आई, क्योंकि ये जो यार्न यूज करते हैं ये बहुत ही, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन लो क्वालिटी का होता है, इसलिए सस्ता भी होता है। क्योंकि जैसे मैंने, आप ये देख रहे होंगे, मैंने ये पहना है, दिस इज मरीनो, ये मरीनो वुल है, ये भारत की नहीं है, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ होती है उसकी है, लेकिन ये थोड़ी सॉफ्टर है तो ये काम आ सकती है, चुभती नहीं है। यही चीज को फाइंड आउट करने में समय लगा, और मतलब इसे करते करते फिर हम प्रोडक्ट्स डेवलप करते चले गए, और जो एक बहुत ही सही चीज मुझे लगी लगती है, हो सकता है लोग इससे डिसएग्री करें, वो ये थी कि हमने कॉटन का काम करना शुरू किया। क्योंकि अगर हम सिर्फ वुलन की बात करें तो वो 4 महीने ही चलेगा, या 4 महीने का उसका मार्केट है, और उसमें पूरे साल भर कैसे आप किसी को पेरेनियल बिजनेस दे सकते हो या पेरेनियल काम दे सकते हो। तो हमने ये सोचा कि नहीं यार, इसको थोड़ा डाइवर्ट भी करते हैं, कॉटन में भी काम करते हैं, लोग के पास स्किल है, लेट्स डू दैट। तो हमने जो कॉटन का कपड़ा बनाया, कॉटन को नेचुरल डाई में डाई किया और उसको हमने एक्सपोर्ट किया, तो वो काफी अच्छा पसंद आया लोगों को, मोटा पतला जैसा भी है, और काफी सारे स्टोर्स बनाए। आपको शायद, अभी तो वैसे मेरे पास भी नहीं है कैटलॉग, आपको बाहर भेज दूंगा, आप देखिएगा, है ना। तो वो चीजें हुई, तो ये सब करके एक चीज ये समझ में आई कि दिस इज समथिंग विच कैन बी बिग, और ये हमारे उत्तराखंड की एक नीड के जैसे है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में पहाड़ में दूर दूर जगह पे लोग बसे हुए हैं, और वहीं पे अगर उनको वो रोजगार मिल सके जिसमें उनकी स्किल है, तो मेरे हिसाब से उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि खाना आपका अच्छा है, पीना आपका अच्छा है, रहना आपका अच्छा है, बिजली पानी की भी कोई ऐसी किल्लत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा एक प्रॉब्लम है डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा अगर कोई रहना चाहे, मेरे हिसाब से उससे अच्छा स्वर्ग नहीं है। आशीष भाई, आपसे जानूं कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इस बैनर तले, उत्तराखंड हथकरघा। तो प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे कॉटन में, सिल्क में, मरीनो में, पश्मीना में, और उत्तराखंड की जो वुल है जिसको हर सिल्क कहते हैं उसमें, और हेम्प और ये लिनन, ये 4-5, 5-7 कैटेगरीज हैं इसमें करते हैं। और अपने स्टोल्स हो गए, स्कार्फ हो गए, शॉल्स हो गए, रनिंग फैब्रिक हो गया, अगर आपको कोई कुर्ती या कुछ वो भी बनवाना है, वी कैन डू दैट एज वेल। और इसके अलावा साड़ीज पश्मीना में है, यहाँ पर कोई कॉटन में नहीं करता, और दिस इज प्रीटी मच इट। मतलब यार, अब आगे जो प्रोडक्ट रेंज होगी वो हम आगे देखेंगे, बट इतना है। मेरे को ये बताइए कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, और जुड़ने से मेरा मतलब है दो तरह से, एक कि वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, और दूसरा वो जो आपके इस जबरदस्त इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो या कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड करें और आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, आपने सही कहा, दो तरीके से जुड़ सकते हैं। एक तो वो लोग की जो प्रोड्यूस करें या प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, है ना, हमारे साथ उस तरीके से जुड़ सकते हैं, और दूसरा कि जो आइदर कस्टमर और मे बी इन्वेस्टर, बिकॉज वी नीड इन्वेस्टमेंट। और तो इन दोनों तरीके से हमसे जो जुड़ सकते हैं, एक कस्टमर्स तो हमसे सीधे हमारी जो वेबसाइट है uha.in, मतलब हमने थोड़ा नाम शॉर्ट कर दिया, उत्तराखंड हथकरघा को uha रीनेम किया है ताकि शॉर्ट रहे, है ना, दो सिलेबल। तो uha.in पे हमें ज्वाइन, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स को उसको चेकआउट कर स्पेल कर सकते हैं वहां से। दीजिए, सॉरी, स्पेल अच्छा, कर दीजिए uha उसको। OHAA.IN ये वेबसाइट है, आप इस पे जुड़ सकते हैं, इससे हमें, हम कस्टमर बन सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको वैसे जुड़ना चाहे काम के लिए चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमारा जो फेसबुक का पेज है, आप उसमें डेफिनेटली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो मैं सबसे ज्यादा एक्टिव, मैं या उत्तराखंड हथकरघा रहता है, वो ट्विटर पे रहता है, तो वहां पे काफी सारी चीजें जानने को, सुनने को और सीखने को मिलती है, तो यहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। वैसे तो अगर और प्लेटफॉर्म्स देखे तो इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, बाकी जगहों पे भी हैं, बट ये तीन चीजें जो है ये मेजर। परफेक्ट है। आशीष भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह का आपने लिया है, आई थिंक ये पहाड़ में रोजगार के साथ साथ पहाड़ को देखने का नजरिया लोगों का बदलेगा, बिकॉज आमतौर पे हम पहाड़ को लेके सिर्फ हमारे दिमाग में टूरिज्म आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर आदमी आएगा तो यहाँ से लेके क्या जाएगा, कुछ आए तो लेके भी तो जाए, है ना? एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं इसमें, वियतनाम है, कंबोडिया है, यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट टूर्स होते हैं, वहां के जो लोकल वीवर्स हैं उनके पास लोग लेके जाते हैं, वहां पे होम स्टेज होते हैं, और उनको क्राफ्ट को सीखते हैं, सीख के उनसे प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं,
और एक 20 दिन का टूर, 21 दिन का टूर जो होता है वो 1-1.5 लाख रुपए का पर पर्सन होता है। आप ये समझ लीजिए कि दिस कैन बी अ बिग थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। राइट, सो ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड इसी तरह से आप बेहतरीन काम करते रहिए, एंड होपिंग फॉर अ गुड एसोसिएशन आने वाले वक्त में, एंड ऑल दी बेस्ट जी। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक मौका दिया हमको। आपसे बात बहुत समय से हो रही थी, बट मुझे हमेशा ये था कि आप अच्छा कर रहे हैं पार्ट के लिए, कभी हमारी अगर ऐसे ही वो होगी तो हम भी आपके साथ जुड़ पाएंगे। सो थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दैट अपॉर्चुनिटी, और थैंक यू। हमारे बुनकर जो भाई हैं, मित्र हैं, उनका आपको बहुत बहुत साभार। धन्यवाद।